अच्छा जी, तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट और जावा के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सही है जी। सबसे पहले तो कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, तो इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली बात कि जावा सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लाइट वेट कंपोनेंट के लिए है। अब देखें, बात यह है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में है क्या, ये किस तरह की लैंग्वेज है जो काम करती है लाइट वेट कंपोनेंट्स के ऊपर। अब लाइट वेट कंपोनेंट यानी हमारे जो भी डिजाइन वगैरह वेबसाइट के बनाते हो उनके ऊपर जावास्क्रिप्ट का काम होता है, और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो फीचर्स जावा के इस कंपेयर टू जावा से बहुत हैं या बहुत थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलें जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा, क्या जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? ठीक है जी, तो हमारे पास जावा सिर्फ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट है उनको सपोर्ट करती है। अब आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वेरिएशंस आपको प्रोवाइड करेगी। कहीं पे आपको मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एज अ क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड है। क्या है वो? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि उसके अंदर बने बनाए ऑब्जेक्ट्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, अपने ऑब्जेक्ट या क्लासेस नहीं बना सकते। लेकिन ये सरासर गलत है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बनते हैं, यूज भी किए। ठीक हो गया जी। बात करते हैं जावा की, तो बेटा देखो एक सिंपल सी बात मैं बता दूं कि आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो मोस्टली हैं उनके अंदर दोनों फ्लेवर मिलते हैं, लाइक पीएचपी है या जावास्क्रिप्ट है, तो इनके अंदर अगर आप इनको एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करो या एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करो, आप दोनों के दोनों वर्जन यूज कर सकते हैं। कौन सा क्लियर है? ठीक है, जबकि जावा की बात की जाए तो पहला प्रोग्राम जो जावा का होता है ना बेटा, वो होता ही ऑब्जेक्ट और क्लास से शुरू है। ठीक है, और उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। किसको? जावा। सही है, जावा सिर्फ जो है हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है। वो कहती है कि आप अगर मुझे एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करना चाहते हो तो सिर्फ फंक्शंस और प्रोसीजर्स पे भी काम कर सकते हो, या आप ऑब्जेक्ट्स बना के भी काम कर सकते हो, दोनों आपको फ्लेवर मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये अवेलेबिलिटी जावा के अंदर नहीं है। उसके बाद जावा सिर्फ नीड्स ओनली द ब्राउजर इंजन टू बी इंटरप्रेटेड व्हाइल लोडिंग अ वेब पेज। जावा सिर्फ को या जावा सिर्फ के कोड को जो रन करता है ट्रांसलेटर, वो आपके वेब ब्राउजर के अंदर ही होता है, आपको अलग से इंस्टॉलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, दैट्स इट, चाहे वो क्रोम का हो, मोज़िला फायरफॉक्स का हो, या ओपेरा का हो, या व्हाटएवर। ठीक है जी, बहुत पुराना ना हो। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो चीजें हैं वो पुराने वेब ब्राउजर्स पे सपोर्टेड नहीं है, जो बहुत ही पुराने। ठीक है, या कुछ वर्जन या इकमा स्क्रिप्ट जिसको ES6, 7 या 8 कहा जाता है, वो आपको फिर कन्वर्ट करनी पड़ती है ES5 के अंदर, और फिर ब्राउजर्स को समझानी पड़ती है। ठीक है जी, यानी जावास्क्रिप्ट को पहले जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है ना, उसको ट्रांसपाइलर्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, पुराना वर्जन है एक जावास्क्रिप्ट का जो सारे ब्राउजर समझते हैं, जिसको ES5 कहा जाता है। सही है, उसके अंदर और फिर आपके ब्राउजर्स को समझाया जाता है। खैर, इसको हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। फिर जावा को क्या जरूरत पड़ती है जी? जावा नीड्स अ इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू अंडरस्टैंड। तो जावा के पास अपना एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर दोनों होते हैं, जावा के पास दोनों होते हैं, क्या कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर। ये आपकी इसीलिए इंटरमीडिएट या हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहलाती है, इंटरमीडिएट या हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहलाती है जावा, क्योंकि जावा का कोड कंपाइल होता है उसके बाद रन होता है। सही है जी, कंपाइल होता है कंपाइलर से, और इसकी एक अपनी मशीन होती है JVM, जावा वर्चुअल मशीन,
जावा की, जिसके अंदर इंटरप्रीटर होता है, जिस इंटरप्रीटर का काम क्या है कि जो बाइट कोड या कंपाइल्ड कोड मिलता है उसको वो क्या करती है, रन करती है। ठीक है जी, यानी जावा को उसकी कोडिंग चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, इसका कोड आपके वेब ब्राउजर पे नहीं चलता। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक है, उसके बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेटस्केप। जावास्क्रिप्ट को बनाने वाली कंपनी जो थी वो कौन सी थी, हमारी नेटस्केप थी, जबकि जावा को बनाने वाली कंपनी हमारी सन माइक्रो सिस्टम्स थी। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं यहां पे एडवांस बता गया हूं बेटा, उसका थोड़ा टेंशन ना लें, ये चीजें आपको इन फ्यूचर पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपके माइंड में रख दूं ताकि आपके नॉलेज में हो कि हाँ यार इस तरह की चीजें जावा में होती हैं या जावास्क्रिप्ट में होती हैं। इन फ्यूचर हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसपाइलर्स क्या होते हैं, इकमास्क्रिप्ट क्या होती है, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, या जब हम जावा पढ़ेंगे तो तब ये सारी चीजें कवर करेंगे कि बाइट कोड क्या होता है, कैसे बाइट कोड आपको नजर आता है, या आपकी जो JVM है वो क्या होती है, कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे काम होता है उस पर, या क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है JVM के चलाने के लिए, व्हाटएवर। ठीक है जी, सारी चीजें। उसके बाद हैज सम इम्प्लीकेशंस विद डिफरेंट वेब ब्राउजर्स। अब यहां पे देखें, आपको अगर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ब्राउजर्स की सपोर्ट की बात आ जाती है कि कौन सा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, और जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन है, सही है, कौन सा वर्जन है तो वो सपोर्ट करेगा, और अगर नहीं भी कर रहा सपोर्ट तो वो कोड चलाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है ना, अगर ES7 है तो उसको कन्वर्ट करते हो पुराने जावास्क्रिप्ट के वर्जन के अंदर जो कि ES5 है, जो हर ब्राउजर सपोर्ट करता है, फिर हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। यानी डिफरेंट ब्राउजर्स के हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं पे जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट है तो कहीं पे नहीं है, ये भी आपको चीजें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। बात आती है जावा की कि इंश्योर्स दैट प्रोग्राम रिटन इन जावा रन एग्जैक्टली द सेम अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। एक्चुअल में जावा का कोड आप विंडोज पे, लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी एनवायरमेंट हो, यानी 32-bit हो या 64-bit हो, एक बार आपने किसी भी सिस्टम पे आपने कोड कंपाइल कर लिया ना, उस कंपाइल्ड कोड को कहीं पे भी जाके रन कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आउटपुट पे। समझ में आ गया? तो जावा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्या है वो? क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी इसका मकसद ये है, जावा की कोडिंग एक बार एक ही मशीन पे कंपाइल होने के बाद जहां दिल करे रन कर सकते हो। ठीक है, या जावा के थ्रू बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है, यानी विंडोज पे या आपके पास लिनक्स है, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी जावा की बनी हुई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चल जाती है। सही है जी। उसके बाद नीड्स टू बी इंटरप्रीटेड। जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग को आपने इंटरप्रीट करना पड़ता है, या आप उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होता जावा स्क्रिप्ट के पास कि कंपाइल करके कोड दे फिर आप उसको रन करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डायरेक्ट रन करती है चीजें, और ये जो है पहले कंपाइल होती है उसके बाद रन होती है। जावा जो है पहले क्या होती है बेटा, कंपाइल होती है। यानी देखें, आप सोर्स कोड देते हैं ना, ओरिजिनल कोडिंग जावा के अंदर क्या होती है, वो कोडिंग फिर दूसरे कोड में कन्वर्ट होती है, जिस कोड को बाइट कोड कहा जाता है, यानी दूसरे कोड की टाइप, फिर उस बाइट कोड को जाके रन करना पड़ता है। यानी एक एक्स्ट्रा स्टेप है जावा को जब आप कंपाइल करते हो, तो ओरिजिनल कोडिंग एक दूसरे कोड में कन्वर्ट की जाती है, फिर वो कोडिंग एक और आपका इंटरप्रीटर है जो रन करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब बात करते हैं जावा की, तो यहां पे कंपाइलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोड रन होता है। सही है, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को रन टाइम लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि वो इंटरप्रीटर यूज करती है, और हम आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको आप जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, थोड़ी सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दोनों की दोनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात होती है कि हमारे पास क्या जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर तीनों तरह की जो एप्लीकेशन है वो बन सकती है, तो
तो आपका आंसर होगा यस, जो काम जावा कर सकती है वो जावा से भी कर सकती है मोस्टली, ठीक है जी। 100% तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जो काम है वो जावा सिप और जावा के हो सकते हैं। लाइक अगर आप जावा सिप के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के नाम से इनका फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जावा सिप के ही थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती है। सही है, बात आती है क्या जावा के अंदर वेबसाइट बन सकती है? यस बन सकती है। क्या जावा सिप के अंदर बन सकती है? बन सकती है। क्या जावा के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन बन सकती है? यस बन सकती है। क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बन सकती है? यस बन सकती है। कौन सा क्लियर हो रहा है? तो जो चीज आपकी या जो तीनों तरह की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन, ये जावा भी बना सकती है तो जावास्क्रिप्ट भी बना सकती है। सही है। अब बात आती है कि क्या दोनों क्लाइंट साइड है, क्या दोनों सर्वर साइड है? तो दोनों दोनों ही है। अब कैसे? इसका मकसद जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी चलती है, लेकिन कभी कभार कुछ सर्वर की चीजें भी रिक्वायर हो जाती है, फिर सर्वर की नीड भी पड़ जाती है इन फ्यूचर जब आप सर्वर पे काम करते। सही है जी। फिर बात आती है कुछ फीचर्स पे डिपेंड होता है। फिर जावा की बात आती है कि क्या ये कंपाइल टाइम है सर्वर, यानी इसको चलाने के लिए क्लाइंट साइड भी चला सकते हैं। तो इसके अंदर जे एप्लेट्स के नाम से एक चीज होती है जो क्लाइंट साइड या ब्राउजर्स के ऊपर चलती है, और आप इसको सर्वर साइड भी यूज कर सकते हो जावा, यानी दोनों है, कंपाइल टाइम भी और सॉरी क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। मैं बार बार कंपाइल टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हो, सर्वर साइड भी यूज कर सकते हो, जावा को भी और जावास्क्रिप्ट को भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप पढ़ोगे तो इसको और आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सकती है, ठीक है जी। तो ये था आपका डिफरेंस और सिमिलरिटीज़।